सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। हम चाहते हैं कि आपके मन में चलने वाले सभी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है सारे के सारे क्लियर हो जाए और आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी संभ्रम ऐसी अवस्था निर्माण ना हो पाए और ना ही आप किसी ऐसे विचार को उत्पन्न कर ले जिससे आपको आगे जाकर परेशानियों का सामना करना पड़ सके। ऐसी परेशानियां आना भी लाजमी है बिकॉज जिस तरह के अपडेट्स, एजुकेशनल अपडेट्स कोरोना की परिस्थिति और प्रादुर्भाव को देखते हुए लग रहा है, उससे तो कई छात्रों के मन की परिस्थिति भी गंभीर होती दिखाई दे रही है। कई छात्रों को अब भी इंतजार है कि क्या होने वाला है, MSBT की फाइनल एग्जामिनेशन कैंसल होगी या नहीं होगी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशंस के बारे में क्या होगा, नागपुर यूनिवर्सिटी RTMNU एग्जामिनेशंस फाइनल ईयर स्टूडेंट सेमिस्टर की एग्जामिनेशंस कैंसल होगी या नहीं। तो पिछले कुछ दिनों से उदय सामंत जी है जो है उच्च और तंत्र शिक्षण मंत्री है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था UGC को, जिसके बाद वह कह रहे थे कि 2 से 3 दिन बाद एक लेटर जारी करने के बाद एक लेटर वहाँ से आएगा UGC से, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो 8 से 10 दिन होने को आए हैं लेकिन अभी भी उसका कोई फैसला नहीं निकला है और ना ही कोई फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2020 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई फैसला अभी तक सामने आया है। लेकिन हम आपको फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस 2020 समर के लिए एक जरूरी अपडेट लाया है। आपको इससे पता चल जाएगा कि अब जो श्री उदय सामंत जी ने UGC को लेटर लिखा है उसके बारे में क्या अपडेट है और कब तक आएगा, एग्जामिनेशंस कैंसल होने वाली है या फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है, इसके बारे में जानकारी पता चलेगी। और दूसरी बात, क्या होगा UGC का निर्णय, इसके बारे में आपको हम एक जानकारी देना चाहेंगे। अभी एक आर्टिकल हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर खुद जो उपाध्यक्ष है UGC के भूषण पटवर्धन जी, उन्होंने ई सकाल यानी कि सकाल पर अपने अपने भाषण के द्वारा कहा हुआ है और उन्होंने कहा है कि जो विश्वविद्यालय को निर्णय लेने की स्वायत्तता दी गई है वह उसके अनुसार निर्णय ले, बिकॉज जो श्री उदय सामंत जी ने हमें लेटर लिखा है उसके बारे में वह सिर्फ महाराष्ट्र का लेटर है उनका और जो UGC होती है वह पूरे के पूरे राज्य के लिए होती है, ना कि किसी स्टेट के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 24 अप्रैल को UGC की रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट ना सिर्फ किसी राज्य के लिए है बल्कि वह संबंध पूरे राज्यों के अलावा पूरे देश के विश्वविद्यालयों के एडमिशंस और एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी अपडेट्स देने के लिए होती है। अब इसमें अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एग्जामिनेशन 2020 समर लेनी है या फिर उन्हें ग्रेड देना है, यह UGC देश का सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय होने के कारण डिसाइड करेगा, ना कि किसी के लेटर के द्वारा यह डिसाइड किया जा सकता है। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में जो उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उदय सामंत जी ने लेटर भेजा है तो उसका मतलब नहीं निकल सकता। यदि उसका मतलब निकलता है तो वह सिर्फ महाराष्ट्र के लिए निकलेगा। यदि महाराष्ट्र में एग्जामिनेशंस कैंसिल होती है कोविड-19 की वजह से, तो वह सारे के सारे स्टेट्स के लिए लागू हो जाएंगी और उसे सभी देश में एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए जो UGC को लेटर लिखा गया है उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उदय सामंत जी के द्वारा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और क्या कहा है UGC के भूषण पटवर्धन जी जो कि उपाध्यक्ष है, आपको और नीचे दिखाना चाहेंगे। आपको इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ लेना चाहिए बिकॉज क्या करेंगे UGC और किस प्रकार से एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर पाएंगे या फिर किस प्रकार से कैंसिल करके वह ग्रेड मार्क्स को दे पाएंगे, इसके बारे में निर्णय UGC नहीं लेगी बिकॉज इस निर्णय को लेने की स्वायत्तता पूरी तरह से विश्वविद्यालय पर सौंपी गई है। अब वह यह निर्णय ले कि एग्जामिनेशंस को वह कैंसिल करे या ना करे, यह कहा है UGC के उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी से, जिन्हें सकाल से बात करते हुए। तो दोस्तों, इस आर्टिकल को आप ध्यानपूर्वक एक बार फिर से पढ़ ले। यहाँ पर
जो फैसला रुक गया है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, यह दो अपडेट आपके लिए फिलहाल जरूरी था। बाकी एग्जामिनेशन कैंसल्ड करने के बारे में यूजीसी कोई निर्णय नहीं लेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज है उन्हें अपना निर्णय लेने की स्वायत्तता दी गई है, वह चाहे निर्णय अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी यूजीसी अपनी तरफ से 31 मई 2020 तक अपना फाइनल ईयर एग्जामिनेशन फाइनल ईयर सेमेस्टर को कैंसिल करे या ना करे, या फिर ग्रेडिंग मार्क्स किस प्रकार से दे, इसके बारे में गाइडलाइन जारी करेगी और उसके बारे में गाइडलाइंस पर काम करने का अधिकार और स्वायत्तता जो यूनिवर्सिटीज का दी गई है वह उसके अनुसार काम करेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन समर 2020 के बारे में जानकारी और अपडेट की पसंद आया होगा और आपको अब पता चल गया होगा कि 31 मई 2020 तक यूजीसी कुछ ना कुछ निर्णय लेगी और उस निर्णय को अनुसार गाइडलाइंस यूनिवर्सिटीज को जारी करेगी और यूनिवर्सिटीज उसके बाद अपनी स्वायत्तता के अनुसार डिक्लेयर करेगी कि फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन कैंसल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जामिनेशन फाइनल ईयर के लिए कैंसल्ड होती है तो फिर किस प्रकार से ग्रेड दिए जाए और किन छात्रों को किस प्रकार से ग्रेड देकर उन्हें आगे प्रमोट किया जाना चाहिए, यह डिसाइड किया जाएगा। और एक बात, यदि किसी छात्र को ग्रेड देने के बाद वह संतुष्ट नहीं होता है तो वह आने वाले विंटर एग्जामिनेशन 2020 समर में फिर से उसे चैलेंज कर सकता है और नए ग्रेड को उसे प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा और वही ग्रेड फाइनल किया जाएगा, ना कि समर 2020 का रहेगा, वही विंटर 2020 का जो निर्णय और जो ग्रेड रहेगा वही उसका फाइनल रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का अपडेट्स आपको अभी पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि क्या होने वाला है आगे श्री उदय सामंत जी के यूजीसी को लेटर भेजने के बाद, और एग्जामिनेशंस कैंसल होगी या नहीं 31 मई के बाद आपको पता चल ही जाएगा। यह सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले दिए जाएंगे हमारे हिंदी जो सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपका सबसे पसंदीदा और चहिता चैनल है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आगे भी आपको सारे के सारे एजुकेशनल अपडेट्स, रिजल्ट, हॉल टिकट, ईसीडी, ईटीसी, जो भी सारे एजुकेशनल अपडेट्स है आपको मिलते जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।